अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। आपको मैं अलग अलग अपडेट्स देते रहता हूँ, वैसा ही आज एक अपडेट ऐसी है कि महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो निर्णय लिया है, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगा कि अब के बाद से जो है डोमिसाइल बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है। हम सबको पता है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो विवाद चल रहा है, यानी कि जो सीमा को लेकर या फिर बॉर्डर्स को लेकर जो बहुत ज़्यादा विवादित मुद्दा है, वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो उसको लेकर एक बहुत सख्त डिसीजन लिया गया है। पहले से ही कंपलसरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आदिवास प्रमाण पत्र, लेकिन इसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट्स वाले जो है हमारी जो भी स्कीम्स रहती है या जो भर्तियाँ रहती है उसमें उनका जो है वो ना आ सके, या फिर जो स्टेट का मसला चल रहा है उसकी वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जितना जल्दी हो सके बना ले और बनाकर रख ले। कोई खास नहीं होता, कोई खास प्रोसेस नहीं होती है, दो चार चीज़ें जो लगती है बस वही। उसके वास्ते जो है हमारा जहाँ हम रहते हैं वो रहवासी दाखिला, जिस गाँव में आप रहते हैं वो रहवासी दाखिला, सरपंच और जो है ग्राम सेवक के साइन के साथ आता है वो वाला, ऑनलाइन रहा तो बेहतर, ऑफलाइन भी वो रहता है। और इसके अलावा टीसी वगैरह ये दो चार चीज़ें प्रूफ लगती है, राशन कार्ड एक्स वाई जेड ये लगता है। तो आप डोमिसाइल बना के रखिए और हो सके तो उस पर से नेशनलिटी भी बना ले, जो कि इंडियन जो होती है नेशनलिटी। डोमिसाइल पहली फुर्सत में बनाइए, एमपीएससी ने इसको बहुत स्ट्रिक्ट किया है, पहले से ही हर भर्ती में स्ट्रिक्ट किया जाता है, पुलिस भर्ती में भी बहुत स्ट्रिक्ट है और महाराष्ट्र के तकरीबन तमाम भर्तियों में इसको फॉलो किया जाता है। डोमिसाइल आदिवास प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र के रहवासी है हम, इसका उसके लिए जो है हमारे रहवासी का जो प्रूफ होता है वो हमारे अब्बा से या फिर हमारे दादा परदादा से जो भी हमारे पास जो प्रूफ होता है एक्स वाई जेड उस वो वहाँ काउंट किया जाता है 1967 से पहले का ही तकरीबन, तो जो भी होगा तो ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी बना लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।